जय श्री महाकाल, जय श्री दैत्य सरकार, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अब कालचक्र जागृत करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। कल भर जो हो रहा है, एक बार कालचक्र जागृत करने के बाद चाहे दारू पियो मांस खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आदेश मांगकर गुरु जी, हमारा कालचक्र तो हो गया। अगर तुम्हारे पास खाली समय है और तुम किसी चीज का जाप करना चाहते हो तो हम दैत्य नमः दैत्य का जाप करो, इससे बड़ा कोई जाप नहीं। आदेश महाकाल। आदेश महाकाल। जय गुरुदेव, जय तंत्र दैत्य। गुरु जी जय शंकर, जय दैत्य महाराज जी। गुरु जी, दोनों आंखों के बीच में जो है जोरों का दर्द कल से ही है गुरु जी। जो है दिन में भी था और अभी जो साधना करके उठे तो भी बहुत जोरों का दर्द कर रहा है। ऐसा गुरु जी, इसका कुछ मतलब जो है बताइए गुरु जी। देखो, पर माथे के बीच से ऊर्जा निकल रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, माथे के बिल्कुल बीच में, या हल्की सी खाज या कुछ ऐसी बेचैनी सी होती है, तो इसका अर्थ होता है कि कालचक्र जागृत हो गया है या हो रहा है। तुम्हारे विषय में कालचक्र जागृत हो चुका है, ठीक है, चिंता करने कोई विषय नहीं है। लंबे समय तक दर्द रहना कि कुछ लोगों का जल्दी कालचक्र जागृत हो जाता है, ठीक है, तो जागृत हो गया है, कोई बात नहीं। अब जब हमारा अगला मैसेज आएगा बोलकर, जो हम ग्रुप में भेजेंगे सबको जिन जिनका कालचक्र जागृत हुआ है, तो उसमें तुम्हें साधनाएं करनी है, तो अब साधना के लिए तैयार रहना। आदेश मांगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आदेश महाकाल। ओम जय शिव शंकर, जय महाकाल गुरुदेव, जय दैत्य सरकार की। महाराज जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शंकर के स्वरूप में आप विराजमान हैं और हमारे दैत्य सरकार के ज्ञान को गुरु जी आप जिस तरीके से बांट रहे हैं, आपको हजारों कोटि कोटि बार धन्यवाद करने का और आपको प्रणाम करने का मन, साक्षात दर्शन करने का मन कह रहा है गुरु जी। आप तो अंधकार से प्रकाश में ले जा करके सबकी नैया को उभार रहे हैं गुरुदेव। आप हजारों और मेरी उम्र भी आपको लग जाए गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। यदि गुरु जी कोई गलती होगी तो क्षमा करना। जय महाकाल, जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय दैत्य सरकार की। ओम दैत्याय नमः। गुरु जी, सही मंत्र है? गुरु जी, ओम दैत्याय नमः, ये कौन सी माला से करना चाहिए और कितना करने से सिद्ध होता है, कृपया बता। इसका कोई समय भी होता है? कौन सी माला से जपना चाहिए? जय श्री महाकाल, जय दैत्य सरकार, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, आज मैं कालचक्र जागृत करने के लिए बैठा था, करीब 1.5 घंटा मैं बैठा और मैं उसका अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मंत्र जाप करने के करीब 10 मिनट के बाद गुरु जी ये हुआ कि जैसे कि मेरे पेट को मेरी कमर से एकदम कोई अंदर खिंचाव आ रहा है, वो बिल्कुल कमर से मिल गई और कुछ देर ध्यान लगाने पर कमर बिल्कुल ऐसे सीधी हो गई जैसे कि किसी ने गर्दन पड़ के ऊपर खींच लिया हो, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके और करीब आधे घंटे बाद ऐसा लगा जैसे कि एक ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर चल रही है, नाभि तक आया। जय काल भैरव जो घोरा, बहुत ही सुंदर विचार है। देखो, हमें खुशी तब मिलती है जब हमारे पास कोई साधक आता है और वो तंत्र सीखता है और विद्याओं में माहिर होता है, तब हमें खुशी मिलती है कि हमने किसी के ऊपर मेहनत की और वो सच में सीख गया, तब हमें बहुत आनंद आता है। हमें खुशी तभी मिलेगी जब तुम लोग, तुम में से बहुत सारे साधक एक अच्छे तांत्रिक बनोगे, जब तुम्हारे पास अनेकों प्रकार की विद्या और सिद्धि होंगी। उसके बाद और आधा घंटा 15-20 मिनट का अंतराल रहा होगा, मस्तक पर माथे पर
खिंचाव महसूस शुरू हो गया, और मतलब इस तरीके का खिंचाव था जैसे कि किसी को दौरे पड़ते हैं और इतना खिंचाव होता है उसका गर्दन जो है इधर उधर हिलती है कसाव में इस तरीके से। मैं फिर भी बैठा रहा, अपने ध्यान में बैठा रहा, आंखें मेरी बंद थी और ये बार बार हो रहा था, जैसे कि दोनों आंखों के बीच में जो एरिया होता है कि सारी मांसपेशियां उस ओर, जैसे किसी गड्ढे में कोई पानी गिर रहा होता है और सारा एक फ्लो के तरीके से वहाँ जाता, उसी तरीके से सब कुछ उस जगह पर जा रहा था। और थोड़ी देर में फिर नॉर्मल, फिर वापस ऐसा हो रहा था, फिर नॉर्मल। इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ आज ही अब आज अनुभव हुई। क्या गुरुजी, क्या कालचक्र ये जागृत हो गया है? और दो अवस्थाएं जो मेरे को समझ में आती हैं, एक तो कालचक्र का जागृत होना, आज्ञा चक्र का, एक तो आज्ञा चक्र का जागृत होना और एक आज्ञा चक्र का खुलना, क्या ये दोनों बातें अलग है? गुरुजी, अगर ये आज्ञा चक्र जागृत हो गया है तो मुझे इसको खोलने का तरीका बताइए, क्योंकि जो एनर्जी मेरे पास मेरे साथ हैं वो ये कहती है कि जब तक ये आज्ञा चक्र खुलेगा नहीं तब तक मैं उनको देख नहीं सकता, मुझे कोई इसका मार्गदर्शन कीजिए। काल भैरव जी बोला, देखो ऐसा है, ओम दैत्याय नमः, पूरा बोलना है, ओम दैत्याय नमः, ओम दैत्याय नमः का जाप करने से, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे तुम सिद्ध कर रहे हो, ये पहले से ही सिद्ध है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। यदि तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो ये तुम्हारे शरीर के कष्टों को खा जाता है। तुम्हारे शरीर में अगर यदि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई अंदर कुछ गलत है, शरीर के अंदर किसी प्रकार का जहर है, विष है, तो उसे यह मंत्र खा जाता है। यह मंत्र एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है, ठीक है, वातावरण को भी शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, दिमाग के अंदर जितना भी तुम्हारा वजन है, जितना भी डिप्रेशन है, उस सब को भी ये मंत्र खा जाता है। ओम दैत्याय नमः, ये मंत्र बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, अच्छी ऊर्जा को शरीर में बनाए रखता है। इस मंत्र का जाप तुम जितना चाहो उतना कर सकते हो। दैत्य संप्रदाय के अंदर नियम कठोर होते हैं परंतु कम होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक मंत्र पे नियम है कि इसे इतनी बार पढ़ना है, कि इसे मंत्र पे नियम है कि इसे इतनी बार पढ़ना है, इसे मंगलवार को पढ़ना है, 3 बजे पढ़ना है, 10 बजे, ऐसा कुछ नहीं होता। सख्त नियम है परंतु बहुत सारी आजादी भी दैत्य संप्रदाय देता है। जैसे मंत्र को तुम अपनी मर्जी से कितनी बार पढ़ सकते हो, जैसे कालचक्र जागृत करने के लिए घेरे में तुम कपड़े पहन के बिना कपड़ों के भी बैठ सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे नियम है। तो ऐसा नहीं है नियमों से कोई बंधा पड़ा है, इतना नियमों को मानेगा तो साधक साधना कहाँ से करेगा, जरूरी है साधना करना, तुम बस साधना पे ध्यान दो, इस मंत्र खाली समय पर मंत्र का जाप करो, ये मंत्र बहुत अच्छा है। आदेश महाकाल, ये दोनों बातें एक है, ये लोगों ने पैसा कमाने के लिए धंधा बना रखा है, कुंडली जागृत करना, कुंडली योग जागृत करना, थर्ड आई खोलना, ये बहुत ही साधारण बहुत छोटी सी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, शुरुआती चरण यही है, खुलना नहीं जागृत होना। कोई चीज है, तुम्हारे 7 चक्र पहले से हैं, उसे खोलना का क्या कोई मतलब है, वो तो जागृत ही होना है, वो तो पहले से कोई चीज है। यानी कि जैसे मान लो तुमने कोई कोई फोन के अंदर एंटीवायरस, जैसे मान लो फोन में एंटीवायरस या लैपटॉप में एंटीवायरस, मान लो फोन में एंटीवायरस या लैपटॉप में एंटीवायरस ले लेते हैं, अभी उसे एक्टिव एंटीवायरस तो ले लिया, अभी उसे बटन दबा के एक्टिवेट कर दिया, बस एक्टिवेट हो गया, जागृत हो गया, वो काम करेगा, ये जागृत का मतलब है। यानी कि कोई चीज अब एक्टिवेट हो गई है, यानी कि तुम्हारा एक ऐसा चक्र शरीर के अंदर, ये तुम्हें इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी अगर हम जानकारी दें इसके ऊपर, क्योंकि इसमें इतनी गहन और बारीक जानकारी है, इन्हें 2-3 मिनट में समझाना संभव नहीं है, इसलिए ग्रुप में तुम जुड़े हो ताकि तुम्हें सारी जानकारी मिले, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। शरीर को, शरीर और आत्मा को जोड़ता है कालचक्र, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है कालचक्र, कालचक्र स्वयं सब कुछ है। कालचक्र की परिभाषा यदि मैं बताऊं तो समझो सारी दुनिया कालचक्र से बंधी पड़ी है। कालचक्र, ये कालचक्र है मनुष्य को, जो शरीर को आत्मा को सबको बांधे रखता है वह कालचक्र है।
जैसे ये शरीर और आत्मा के बीच की कुछ चीज है जिसे समझाने के लिए मैं बहुत समय चाहिए। बस ये समझो कि खिंचाव पैदा हुआ है क्या तुम्हारे माथे के बीच में से वाइब्रेशन वाइब्रेशन या गर्मी जैसा कुछ निकला या दर्द महसूस हुआ। अगर दर्द या गर्मी दोनों में से कुछ एक चीज भी होती है तो ये समझो जागृत हो गया है। देखो ऐसा है, मान लो तुमने अपना कालचक्र जागृत कर लिया, अगर ये हो गया है तो, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो सामने आ जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर हो गया है तो आ जाएगी। अभी जो हमने पहले प्रश्न पूछा उसका उत्तर दो, हम बताएंगे हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, यदि तुम्हारे पास कोई शक्तियां हैं, देखो जिस व्यक्ति का कभी कालचक्र जागृत ना हुआ हो उस व्यक्ति के पास शक्तियां हो ही नहीं सकती। अच्छा शक्तियां कहाँ से आएंगी? किसी साधना के माध्यम से आएंगी, तंत्र के माध्यम से आएंगी? पहली सीढ़ी तो तुमने चढ़ी नहीं है। यदि तुम्हारा कालचक्र अब जागृत हो रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम पे अगर किसी ने कहा है, तुम्हें लगा है, तो इससे पहले किसी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं थी। कुछ बातें हमें दुख दुखी दुख पहुंचा देती हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमें लगता था हम पे ये है, परंतु सत्य यह है कि वो होती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सफर ही शुरू हुआ है। कालचक्र जागृत होने के पश्चात ही सब चीजों के व्यक्ति संपर्क में आता है। आदेश महाकाल। देखो